हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ कोकोनट ऑयल की, कि विंटर्स आने वाले हैं और विंटर्स आ ही चुके हैं, हमें कौन सा कोकोनट ऑयल यूज करना चाहिए कि हमारे स्कैल्प में वो जमे ना, मतलब वो आराम से शैम्पू करके निकल जाए, डैंड्रफ की प्रॉब्लम ना हो। तो नॉर्मली लोग ये वाला पैराशूट का कोकोनट यूज करते हैं, ये बहुत ही बेस्ट रहता है अपने हेयर्स के लिए, हेयर्स की ग्रोथ के लिए, शाइन के लिए। बट ये 100% कोकोनट तो है, बट ये ठंड में बहुत जम जाता है, इसको लगाने में प्रॉब्लम होती है। पहले हमें इसे मेल्ट करना पड़ता है, उसके बाद हम अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद भी ये हल्का हल्का स्कैल्प में जम जाता है, जिससे हमारी डैंड्रफ बढ़ती जाती है, जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स हैं। तो ये विंटर्स में 4 to 5 months यूज नहीं करना चाहिए, जिनको स्पेशली डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि शैम्पू से पूरा अच्छे से धुल नहीं पाता कभी कभी। तो विंटर्स के लिए मैं लाई हूँ कोकोनट ऑयल, ये वाला एलोवेरा एनरिच्ड कोकोनट हेयर ऑयल। ये मेरे पास अभी छोटा वाला पैक है, ये कितनी भी ठंड हो जाए ये जमता नहीं है, इसमें लिक्विड ही रहता है, क्योंकि इसमें एलोवेरा मिक्स है, ये भी हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो विंटर्स के लिए ये और समर्स के लिए ये बेस्ट है, यूज कोकोनट ही करना है आपको, क्योंकि ये ऑयल सबसे बेस्ट होता है हेयर्स के लिए। ये एलोवेरा एनरिच्ड कोकोनट हेयर ऑयल की कॉस्ट है, ये छोटा वाला पैक है 39 रुपीज का, ये बहुत ही चीप है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है, इसका बड़ा भी आपको बहुत चीप प्राइस में मिल जाएगा विद इन 100 रुपीज। तो ये आप जरूर ट्राई करिएगा इस विंटर्स में, और मुझे कमेंट में भी बताइएगा आपको कैसा लगा। आप इसको विंटर्स में डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा इफेक्टिव आपको जितना लगाना है उतना बाउल में निकालो, और उसमें हल्का सा गर्म करके गैस में या किसी भी चीज में अपने स्कैल्प में मसाज करते हुए लगाओ, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, और उससे हमारी सर की मसाज भी अच्छे से हो जाएगी, स्कैल्प में अंदर तक पहुंच जाता है अच्छे से। उसके बाद आपको कॉम्ब नहीं करनी, रात में लगाओ और सुबह तक आपको कॉम्ब नहीं करनी, डायरेक्ट आप हेयर वॉश करो, क्योंकि कॉम्ब करने से पूरा ऑयल आपके सर के ऊपर आ जाता है, तो वो स्कैल्प में नहीं रह जाता। तो ठीक है, आज मुझे आपको यही बताना था कि ये वाला विंटर्स के लिए यूज करो, और विंटर्स के लिए मैं काफी अच्छी अच्छी वीडियोस लाने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक की बटन दबा दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।